और एवरेज जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 19.3 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो अभी कहीं कम हो गया 616 से बढ़ चुका है 635। को लग रहा होगा कि भाई इतना तो नॉर्मल मारुति की गाड़ी दे देती है, तो हाइब्रिड फिर क्या मतलब हुआ। डेढ़ घंटा आइडल में खड़ा हुआ है गाड़ी, 702 ml करीब ये उसने सेव किया है। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं CZ04 कार्स और भाई आज एक और जर्नी पे निकल गए हैं मैं और अंशुमान सर। आपको जैसे कि पता है कि ओनर रिव्यू सर ने दिया था CS का और अभी उसी गाड़ी में अपन बैठे हैं। तो आज जो ड्राइव होने वाली है 200 किलोमीटर डिस्टेंस की होने वाली है वन वे में, आने जाने की बात करूँ 400 किलोमीटर करीब करीब ये होने जा रहा है। ये जो वीडियो होगा माइलेज टेस्ट रिव्यू होगा, मैं आप सभी को करके बताऊंगा और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा टिप देते हुए जाऊंगा जैसे फ्यूल सेव कर पाए और वो बेटर हाईवे में भी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, फ्यूल एवरेज में भी बढ़िया मिलेगा और ड्राइविंग प्लेजर भी आपको भरपूर मिलेगा। तो बाकी बात करें डिस्टेंस तो मैंने अभी बता दिया, अभी जो गाड़ी चल के आई है भिलाई से ऑलमोस्ट 35.6 किलोमीटर ये चल के आई है, मैं आपको मेंशन करके दे दूंगा, फोटो लगा दूंगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ देखो इधर जाना तो अभी जो है गाड़ी को अपन टैंक टू टैंक करके इसको एवरेज चेक करेंगे कि 200 किलोमीटर चलने के बाद ये प्रॉपर एवरेज क्या निकालता है। देखो मैं अकेला होता तो आपको समझ भी आता कि आज सिंगल ड्राइवर है तो एक ही एवरेज निकाल लिया, आज के वीडियो में अंशुमान सर भी हैं तो दोनों ही ड्राइव करेंगे और एवरेज क्या निकल के आता है वो सबसे पहले जानेंगे। यहाँ पे अगर बात करें वीडियो जो होने वाली है पार्ट वन और पार्ट टू में होगा, पार्ट वन में आपको जानने को मिलेगा कि क्रूज कंट्रोल में कैसे एवरेज निकलेगा, पार्ट टू में जानने को मिलेगा कि मैनुअल जैसे बिना विदाउट क्रूज कंट्रोल के अपन कैसे एवरेज निकाल सकते हैं। तो भाई आपको पता है CS जो है हाइब्रिड सिस्टम आती है, हाइब्रिड सिस्टम में आपको और ज्यादा फ्यूल इकोनॉमी जो है मारुति क्लेम करती है। 3.5 या 4 घंटे का अपन यहाँ पे ड्राइव करने वाले हैं। अभी जो रेंज अभी जो किलोमीटर दिखा रहा है 196 किलोमीटर दिखा रहा है, तो अभी भाई फिलहाल के लिए जो 136 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा था, देखते हैं कितने का भी फ्यूल अप आता है। अभी तो फिलहाल भरे नहीं है और भरते ही देखते हैं कि टोटल जो है कितना अमाउंट का यहाँ पे फ्यूल आता है, फिर उस हिसाब से एवरेज भी अपन निकालेंगे। निकालना है अपने को 3450.40 मतलब 34.37 लीटर यहाँ पे आया है। तो वह देख सकते हैं अभी जो फुल टैंक हो चुका है और ट्रिप को अभी अपन करते हैं सेट और जीरो हो चुका है फिलहाल के लिए और देखते हैं जो एवरेज क्या निकालते हैं। 607 किलोमीटर का यहाँ पे अभी रेंज दिखा रहा है आपको और जो अभी तक का जो अभी इकोनॉमी है फ्यूल इकोनॉमी 17.4 किलोमीटर यहाँ पे अभी शो कर रहा है। देखते हैं आगे चल के जो हाईवे में ड्राइव करते हैं तो क्या कितना एवरेज शो करता है और फिलहाल अभी जो है थोड़ा रास्ता जो उतना प्लेन नहीं मिलेगा, आगे चल के जो बेटर वे में रास्ता मिलेगा। और फिलहाल जो मैंने आपको पूरा फ्यूल अप का दिखाया कितना आया कितना लीटर था वो मैंने आपको पूरा दिखाया और पूरा टैंक टू टैंक चेक करेंगे कि बेटर वे में इस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आपको माइलेज क्या दे रहा है, मारुति जितना क्लेम कर रही है वो कितना मिल रहा है नहीं मिल रहा है प्रॉपर वे में एग्जैक्ट पूरा टैंक टू टैंक आपको पता चल पाएगा। तो भाई अभी अपन आ चुके हैं सिमगा बेमे तरह का जो कट है वहाँ पे अभी अपन आ चुके हैं और गाड़ी जो अभी फिलहाल के लिए 40.30-41 किलोमीटर जो है चल चुका है और जब अपन निकले थे 605 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा था और अभी जो है 608 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है। एवरेज में मेरे को उतना कुछ डिफरेंस नहीं समझ आया और ऐसा भी नहीं है कि कंटिन्यू गाड़ी जो क्रूज पे चल रहा है, ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा ब्रेक भी लग रहा है, एक्सीलेटर भी देना पड़ रहा है, क्रूज से भी हट रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मिक्सअप है, मतलब एग्जैक्ट हमेशा क्रूज में नहीं है या फिर हमेशा एक्सीलेटर पे नहीं है। 180-90-100 गाड़ी मेंटेन कर रही है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है और माइलेज जो है 17.4 के यहाँ पे निकल के भाई थोड़े अचंभित की बात है। अभी जो आपको क्लिप दिखाने जा रहा हूँ हाइब्रिड सिस्टम का इतना बेनिफिट मिलता है ना कि
आप देख सकते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया कि 608 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा था और अभी 65 किलोमीटर रनिंग होने के बाद टोटल जो है 616 किलोमीटर का रनिंग यहाँ पे आपको दिखा रहा है, मतलब कि 8 से 7 से 8 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा आपको दिखा रहा है रेंज, मतलब कि कहीं ना कहीं हाइब्रिड सिस्टम जो है 90-100 की क्रूज में भी आपको अच्छा खासा रेंज आपको प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि आपको एवरेज में उतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, सिमिलर सा ही लगेगा, लेकिन जो रेंज जो है काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। भाई हमने अभी जो ट्रेवल किया है 119.5 किलोमीटर का और एवरेज जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 19.3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर जो अभी कम हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो आपको दिखा रहे हैं और रेंज जो है और 616 से बढ़ चुका है 635। भाई हाइब्रिड सिस्टम का इतना मज़ा होता है वो भी मेरे को समझ अभी आ रहा है, अब तक नहीं आता जब तक मैंने यूज़ नहीं किया था। मतलब कि एक फुल टैंक में इजिली देख सकते हैं कि आप ये 720-750 किलोमीटर आराम से निकाल के देगा और प्यार से चलाएंगे तो आपको मेन मतलब 800 के करीब करीब, एग्जैक्ट तो नहीं बोलूंगा मैं, 800 के करीब करीब भी आपको निकाल के देगा। जैसे कि आपको पता अभी हाल ही में ग्रैंड विटारा में अभी आपको जो मारुति क्लेम कर रही है एक फुल टैंक के कैपेसिटी में आपको निकाल के देगा 1200 समथिंग किलोमीटर का वो रेंज आपको प्रोवाइड करेगा। ग्रैंड विटारा की अगर बात करें भाई, ये गाड़ी उससे पहले आया है तो उसमें एडवांस बेटर वे में काम किया है मारुति ने, अच्छा खासा और एवरेज भी और रेंज भी निकाला है। तो 19-20 भी आपको लग रहा होगा कि भाई इतना तो नॉर्मल मारुति की गाड़ी दे देती है तो हाइब्रिड फिर क्या मतलब हुआ। तो भाई अगर बोलूं तो ये थोड़ी सी सेडान सेगमेंट की गाड़ी है, अब के गाड़ी में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बेटर एडवांस वे में आ रहा है। ये उसी टाइम का जो गाड़ी है जिस टाइम में मारुति की कोई भी गाड़ी में ये हाइब्रिड सिस्टम नहीं आता था सिवाय इस गाड़ी के, और उसकी बात करो किसकी, अर्टिगा की बात करो, उसी वे में देता था और किसी गाड़ी में आपको नहीं मिलता था, अभी ऑलमोस्ट गाड़ी में आ चुका है। 222 किलोमीटर गाड़ी जो चल चुका है अभी फिर से रिफ्यूल कर रहे हैं, उसके बाद एवरेज निकालेंगे कि टोटल गाड़ी का कितना एवरेज निकल के आया है, अभी देखते हैं कितना लीटर आता है। अभी तक आपने देखा था उस टाइम में 3400 रुपये का कुछ पेट्रोल आया था और 34 पॉइंट कुछ लीटर आया था, अभी देखते हैं टोटल कितना आपको लीटर इस गाड़ी में चलने के बाद 222 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे भराता है। ऑटो कट लग गया, मतलब 12.13 लीटर यहाँ पे गाड़ी में आया है, अभी और जाएगा फिलहाल के लिए तो ऑटो कट लगा अभी तो। लीटर यहाँ पे आपको अभी इस गाड़ी में है, देखते हैं गाड़ी का एवरेज क्या है। तो भाई अभी आती है बारी कैलकुलेशन पार्ट की, अभी हमने पार्ट वन का जो है यहाँ पे समापन कर दिया है। गाड़ी की कंडीशन की बात करूं जैसे चल के आया मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा क्रूज कंट्रोल में नहीं चला है, 222.3 किलोमीटर अभी तक चल चुकी है गाड़ी, हमेशा ना तो क्रूज कंट्रोल पे चला है ना तो इकोनॉमी में चला है। ऊपर नीचे टेम्परेचर भी अभी हाई था 43 डिग्री सेल्सियस था, अभी धर से सीधा 33 डिग्री सेल्सियस पे आया, मतलब टेम्परेचर का भी मेजर रोल पड़ा है। गाड़ी के एवरेज की अगर बात की तो नॉर्मली अगर अपन देखे हाईवे में कम क्रूज भी हमेशा नहीं लगा है, उसके बाद भी एवरेज क्या निकल के आया है, जैसे अगर मैं निकालूं 222.3 डिवाइडेड बाय अभी जो हमने रिफ्यूल करा है उसके बाद आया है 14.50 ml का यहाँ पे आया है तेल, 15.33 किलोमीटर पर लीटर का यहाँ पे आपको एवरेज जो है गाड़ी निकाल के दे रही है। कितने किलोमीटर चलने के बाद 94,213 किलोमीटर चलने के बाद, मतलब गाड़ी को 5 साल होने के बाद भी 15 से 16 का एवरेज आराम से निकाल के दे रही है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में, और वेदर कंडीशन अच्छा रहेगा, हाईवे में बहुत ज्यादा रनिंग रहेगा, क्रूज में रहेगा गाड़ी, तो इवन आपको 90 से 20 तक का भी एवरेज निकाल के देगी है गाड़ी। बात करें आइडल स्टॉप की, आइडल स्टॉप अगर मैं आपको दिखाऊं देख सकते हैं 1.5 घंटा आइडल में खड़ा हुआ है गाड़ी, 702 ml करीब ये उसने सेव किया है, ये हाइब्रिड सिस्टम का कमाल है। तो ठीक है गाइस, होप करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो एक बार जरूर से कमेंट करके बताना, और मिलते हैं एक और ऐसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।